नमस्ते। एक बहुत ही बड़ी सत्य का उद्घाटन करने जा रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ में, और पूरे विश्व को ये बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का मूल सिद्धांत है सिमिलिया सिमिलिया का, यानी जिस इंग्रेडिएंट, जिस वस्तु, जिस धातु, जिस रोग की का प्रतिविष बनाना हो उसका प्रतिविष बनता है, बन रहा है, बन रही थी। होम्योपैथी के सारे सिद्धांत सिमिलिया के ऊपर, यानी प्रतिविष के सिद्धांत के ऊपर बना हुआ है। और लेस मेडिसिन मोर पावर का सिद्धांत है। जब दवाई बनती है तो वो दवाई का मूलभूत असर खत्म करके वो उसका प्रतिविष तैयार करती है। आज के संदर्भ में जब कोरोना वायरस जैसा विष हमें मिल गया है तो इस विष के प्रतिविष तुरंत होम्योपैथी पद्धति में बनाने चाहिए। उसके बाद में इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे, कारण कि होम्योपैथी सिद्धांत के अनुसार से दवाई बनी हुई है तो उसका प्रति उसका उसका साइड इफेक्ट कभी नहीं होता है। हमने कोई दवाई ली है वो एग्रीवेशन भी आया हो तो भी शांत हो जाता है। हमने कोई दवाई या कोई चीज, हमने होम्योपैथी की दवाई एकोनाइट ली तो एकोनाइट विष है तो उसका प्रतिविष हुआ तो हमें नुकसान नहीं होगा, हमारा सिर दर्द सर्दी। एकोनाइट का गुण है कि अचानक कोई रोग आया हुआ, आक्रमण हुआ हो तो उसको तुरंत कंट्रोल करता है, भय की संज्ञाओं को समाप्त करता है, मृत्यु की संज्ञा को खत्म करता है, मौत का डर हो तो होम्योपैथी में खत्म करता है और एकोनाइट से खत्म होता है। मैं अभी मूल बात पर आ जाता हूँ। मूल बात यह है कि होम्योपैथी चिकित्सा के अनुसार से कोरोना का प्रतिविष तुरंत बनाना चाहिए। यदि प्रतिविष बनाने में सफलता हम लोग यदि नहीं बनाना ही चाहिए और होम्योपैथी सिद्धांत सही है, होम्योपैथी डॉक्टर सही है, होम्योपैथी की फार्मास्यूटिकल कंपनियां सही है और उनके लैब सही है तो उनको इसके प्रतिविष दे करके उसके प्रतिविष तैयार करने चाहिए। वो सूक्ष्म मात्रा में उनको प्रतिविष चाहिए, उनको बड़ी मात्रा में प्रतिविष नहीं चाहिए, क्योंकि उसको सूक्ष्म को तोड़ते अति सूक्ष्म बनाते हैं। वैसे ही 1x से लेकर के 1000x मिलियन तक बनाते हैं हम लोग। दवाइयां इतनी बढ़िया बनती है कि जैसे कोनियम का एक दवाई है जो सुकरात को दिया गया था, सुकरात को मारने के लिए ऐसा विष दिया था जिसका नाम था कोनियम, और खुद सुकरात खड़े खड़े वहीं पर ढह गए। हम उसी में से दवाई देते हैं तो खड़ा खड़ा आदमी वापिस खड़ा हो जाता है, बुढ़ापे को दूर करता है। चक्कर के इसके मास्टर दवाई है, वर्टिगो की इससे बढ़िया संसार में कोई भी दवाई है, और जो प्रूवन है सबको लगती है, जैसे आर्सेनिक सबको लगती है दवाइयां। ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगी। होम्योपैथी दवाई के सिद्धांत के अनुसार से यदि कोरोना की दवाई बना दी गई तो वो संसार के लिए बड़ा हितावर होगा। मुझे कोई यश नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, संपदा नहीं चाहिए, मुझे केवल यह चाहिए कि विश्व का भला हो और संसार भर से कोरोना नाम का विष हमेशा के लिए विदा हो जाए और डरना बंद हो जाए। भय से भय बढ़ता है, भय का सामना करें, डरे नहीं। सरकार ने इतनी मेहनत करके बहुत करके सीमित कर दिया है, और इतना सीमित कर दिया है कि पूरे अब जो की आबादी को मतलब की संसार से इस रोग से बचाने की चेष्टा किए बच गए हैं। एक प्रश्न और है नमस्ते के ऊपर। नमस्ते करने से मनुष्य की स्वयं की शक्तियों का उल्टा सर्जन होता है। नम्रता बढ़ने से सामने वाला आदमी सरल हो जाता है, उसकी कटुता और विष खत्म हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि जो नमस्ते करता है, हम ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के क्यों बात करते हैं, नमस्ते करते हैं कि हमारे पास में कॉस्मेटिक हीलिंग अपने आप आती है। इसलिए हे मित्रों, हाथ मिलाने से बढ़िया है नमस्ते करके बात करें, ईश्वर के सामने नमस्ते करें, अपने मित्रों के साथ में करें, बच्चों के साथ में करें। नमस्ते करना सबके लिए अच्छी बात है। प्रवीण सोना के प्रणाम। मेरे फोन नंबर है 9824853302। दूसरा नंबर है 9099996720 से लेकर के 30 तक के 10 नंबर सभी अविरत सेवा में उपलब्ध रहते हैं। कृपा करके इस वीडियो को बार बार देखें, सुने, समझें। आपके पास में कोई भी विषय है उसका प्रतिविष आप बना सकते हैं। कोई भी रोग है, कोई भी इंग्रेडिएंट है उसका, हम लोग मेटल का बनाते हैं, हम लोग दवाइयों का बनाते हैं, हम लोग विष का प्रति, हम दवाइयों के पहले बनते थे टेटनामाइसिन का, पेनिसिलिन का, सबके प्रतिविष बने हुए हैं, तो इसका कोरोना का प्रतिविष क्यों नहीं बन सकता। तो ये तुरंत जो है आयुष मंत्रालय के पास भी खबर पहुंचे, और मंत्री महोदय नम्रता से निवेदन करता हूँ कि तुरंत मीटिंग बुलाएं
उन लोगों की जो होम्योपैथी मैन्युफैक्चरर हैं, डॉक्टर हैं, समझदार हैं। मैं तो एक अनुभवी मतलब अनुभव सिद्ध एक प्रैक्टिशनर हूँ, 50 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। मेरे मन में जो पीड़ा जगी है इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि समय न बर्बाद करें, और समय हमारे पास बहुत कम है, और इसीलिए उसका प्रतिविष बनाना जरूरी है। प्रवीण के प्रणाम।